पति है। सबसे पहले बनाएंगे बी, सर ये बन गया बी है ना, और बी का पति कौन है, ए। बी का पति बना दिया ए है ना। अब पति अगर ए है ना तो सीधी सी बात ये क्या होगी, पत्नी। और पति पत्नी के संबंधों कैसे बनाते हैं, एक तीर के निशान की मदद से, नहीं तो भाई बहन हो जाएंगे। तो पहला काम हो गया। दूसरा देखो, सी ए का पुत्र है, ये ए है, ए का पुत्र बताओ कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, एक पीढ़ी नीचे। ए का पुत्र कौन है, सी, यही बोला है, सी ए का पुत्र है, ये ए रहा, ए का पुत्र है, और पुत्र क्या है, आदमी, तो लिख दिया प्लस। तीसरी लाइन देखो, डी बी की पुत्री है, डी है ना, वो इस बी की बेटी है। अब बेटा होता है बेटी, खाएगा नीचे, और कौन है, बी है ना, यही बोला। देखो डी बी की, अरे हाँ डी है ना, जो आपके डी है वो इस बी की बेटी है। अब बेटी है तो क्या लिख देंगे, माइनस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली लाइन देखो, एफ जी की पुत्री है, ना तो एफ है ना जी है, छोड़ देते हैं अभी, अगले लाइन पे आते हैं। सी एफ का पिता है, ये सी है ना, ये एफ का पिता है, यानी कि एफ इसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। अच्छे से पढ़ो देखो, सी एफ का पिता है, मतलब एफ क्या आएगा इसका नीचे, देखो सी है ना, वो एफ का पिता हो गया। अब एफ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, या आपका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, प्रश्न में दिया नहीं है। अब एक लाइन छोड़ दी, इसको पढ़ लेते हैं। देखो एफ है ना, वो जी की पुत्री है ना, एफ जी की पुत्री है, ये एफ है ना, एफ ये जी की बेटी है। अब कैसे होगी बेटी, सर सी की तो पहले ही बेटी है ना, ये तो पिता हो गया, सीधी सी बात है, अर दे रखा है प्लस। अब ये बोल रहे हैं कि एफ है ना, वो जी की भी बेटी है, सर सी की तो पहले ही थी, जी की भी है, मतलब क्या है, ये इसकी पत्नी हो गई, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन समझना है, एफ जी की बेटी है ना, ये है ना जी की बेटी है, तो जी क्या हो गई, इसकी माता, और पिता तो पहले ही थे। ऐसे बनेगा डायग्राम, ये दोबारा बना के दिखाऊं है ना। अब देखो माइनस क्यों आएगा, एफ, हाँ एफ जी की पुत्री है, हाँ ठीक है, ओके बन गया पूरा। अब देखो प्रश्न, पहला प्रश्न है भाई, ए का एफ से क्या संबंध है। इस प्रश्न को ऐसे पढ़ो कि ए है ना, वो एफ का क्या लगेगा, ए देखो कहाँ है, ये रहा, एफ का क्या लगेगा, देखो ये इसका पिता, और पिता का पिता क्या लगेगा, दादा है ना, पहला तो आंसर आ गया भाई दादा, यानी कि ग्रैंड फादर। दूसरा देखो, सी का बी से क्या संबंध है, यानी कि सी है ना, वो बी का क्या लगेगा, सर सी ये रहा और बी ये रहा, ये दोनों पति पत्नी हैं, और ये इसका बेटा है, इसका बेटा हो चाहे इसका बेटा हो, बात बराबर है ना। तो क्या पूछा है कि भाई सी है वो बी की क्या लगेगी, ये सी है वो इस बी का क्या लगेगा, तो बेटा पुत्र। और अगला क्वेश्चन है, जी का बी से संबंध, जी और बी कहाँ है, सर जी तो ये रहा और बी ये रहा, पूछा है कि जी का, यानी कि जी है ना, जी क्या लगेगा, जी है वो कौन है। ऐसे प्रश्नों को ऐसे करते हैं कि भाई जी का बी से संबंध, यानी कि जी कौन है, जैसे आपसे पूछ ले मेरा तुमसे संबंध, तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो मतलब मेरा संबंध पूछ रहे डायरेक्टली वो, यानी कि जी का बी से, यानी कि जी कौन है ये बताना है, सर जी तो ये रहा है ना, और पूछ रहा है बी से है ना, ये तो देखो ये खुद है, ये इसका बेटा है, बेटा नहीं इसका पति है, और ये इसका क्या है, बेटा है, और बेटा की शादी हो रही, देखो मतलब क्या होगी, पुत्र वधु है ना, पुत्र वधु। तो समझ आ गया डायग्राम बनाना, अभी चेक करते हैं, दोबारा बता दूंगा, देखो डायग्राम बनाना अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो, क्या दोबारा बताऊं या आ गया क्या, एक बार दोबारा। प्रश्न, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, पहला प्रश्न है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, यानी कितने मेल हैं टोटल, पता लगा देंगे प्लस माइनस से ही देखते हैं ना, कुछ नहीं लगाना। दूसरा है ए के कुल कितने बच्चे हैं, ए के कुल कितने बच्चे हैं, और लास्ट है बी की माँ कौन है। बड़ी जल्दी आ गया मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, आप कीजिए तब तक।
ओके डायग्राम बनाइए। डायग्राम बन गया, प्रश्न हो गया। पहली लाइन में बना दू अगर समस्या आ रही है। देखो बी है सी का पुत्र है, बी है ना वो सी का पुत्र है, ऐसे बनेगा ना। अरे जो बी है वो सी का बेटा है, बी है वो सी का बेटा है, है ना। दूसरी बात ये देखिए, लेकिन सी है ना वो बी की माँ नहीं है, ये सी है ना इसकी माँ नहीं है, माँ नहीं है तो कौन होगा। बस इतना मैंने बता दिया, आगे बना दो। अरे डायग्राम बनाना सीखो, पार नहीं पड़ेगी। देखो पहला मैंने बना दिया, दूसरा देखो ए व सी पति पत्नी है, ए व सी यानी कि ए की और सी की शादी करानी है तो ए की एज के होंगे मतलब। लेकिन देखो पति पत्नी है, पहले दे रखा ये तो पति हो गया, ये पत्नी हो गई, और एक तीर का निशान लगा दो अलग करने के लिए, भाई पति पत्नी है नहीं तो भाई बहन हो जाएंगे। तीसरी बात ये कि एफ है ना वो सी का भाई है, सी का भाई है कौन, एफ। तो सर इसका भाई जो बनेगा वो इधर बनेगा ना एफ, और भाई है तो प्लस, जो आपका एफ है वो सी का भाई है, ये सी तो पहले ही था, इसका भाई बनेगा वो बराबर में ही बनेगा, भाई हो बहन हो जो भी हो बराबर बनेगा, और इधर का भाई है तो प्लस बना दिया। अगली लाइन है डी ई का भाई है, ना तो डी है ना ई है, छोड़ो। अगला है ई ए की पुत्री है, ए की पुत्री होता है पुत्र नीचे आएगा ना, और कौन है ई, और पुत्री दे रखी है मतलब माइनस, इतना हो गया। आगे देखो अब ये लाइन छोड़ी, इसको देखते हैं, डी है ना ई का भाई है, ये ई रहा और ई का भाई बनाना है तो कहाँ बन जाएगा इधर, और कौन है डी, और भाई है ना तो प्लस। ये आपका डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब देखो भाई कुल कितने पुरुष हैं, प्लस प्लस गिन लो, एक दो तीन चार, बताओ सीधा सा है ना। दूसरा ए के कुल कितने पुत्र हैं, ये ए है सर, देखो दो तो ये रहे, सर ये इसका पति है इसका भी तो बेटा है। अरे ये एक तरह से ऐसे देखना है भाई, नीचे जो भी हैं इसके पुत्र पुत्री होंगे, देखो ये माँ है इसकी है ना, देखो प्लस है माइनस, माइनस है तो ये माँ है, और ये प्लस मतलब इसका पति है, पति पत्नी है दोनों, पहले ही बोल दिया कि भाई सी और ये पति पत्नी है, देखो तो इसका बेटा हो चाहे इसका बेटा हो बात तो वही है, तो एक दो तीन, तीन हो गए ना। और भाई पूछ रहे हो बी की माँ कौन है, ये रहा बी, ऊपर जाएंगे ये प्लस मतलब ये पिता है और पिता की शादी ये हो रखी मतलब ए इसकी माँ है। अच्छा पुत्र पूछा, अच्छा अच्छा पुत्र पूछा ना पुत्र, अरे प्रश्न में क्या लिखा था बच्चे, हाँ तो बच्चे, हाँ प्रश्न को चीज पढ़ना है, बच्चे पूछा है या फिर आपसे पूछा है भाई कितने पुत्र हैं, है ना, बच्चे पूछा तो पूरे आएंगे और पुत्र पूछे तो फिर अलग हो जाएगा, पुत्र पुत्री है ना। तो वो डायग्राम बनाना सीखो, है ना, बस यही है, एक और करो ऐसा ही। तो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो बी 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 पी का पति है, चलो मैं साथ में लिख भी देता हूँ ना, पति है पति हस्बैंड, बी पी का पति है। दूसरा है क्यू ई का एकलौता, इकलौता होता है ना, इकलौता, इकलौता मतलब एक ही है भाई, एक ही है, जैसे किसी का एक ही बेटा होता है ना, इकलौता बेटा है मतलब, और उसके बेटा बेटे नहीं है। डी अरे पोता है एक ही, हाँ जो भी है, डी ई हाँ इसको पूरा करना, देखो क्यू ई का इकलौता पुत्र है जो कि डी की पत्नी है, हाँ पोता है ना, सही बोल सही है, पोता है, पोता लिख दिया ना, क्यू ई का एक लौता पोता है मतलब एकमात्र पोता है इसका, ये कह रहा है एक ही पोता है इसके। आगे है ई पी की सास है, ई यहाँ जो की को मैं देख लेता हूँ एक बार ना, अलग से लिखा दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई पी की सास है,
एक और लिखो, ई, एक और लिखो, ई डी की पत्नी है, ई डी की पत्नी है, ये क्वेश्चन हो गया और पूछा क्या है, और बी का डी से संबंध, मामा बना रहा जबरदस्ती। बी का डी से संबंध क्या होगा, डायग्राम बनाना, देखो डायग्राम बन गया, प्रश्न हो गया बस। देखो बी है ना, वो पी का पति है, ये जो बी है वो पी के कौन है, पति, यानी कि बी है ना वो पति है, और ये उसकी हो गई पत्नी, ये पहला बन गया कि सर जो बी है वो पी का पति है, पी का पति बन गया, ये इसकी पत्नी हो गई। दूसरी बात है क्यू ई का इकलौता पोता है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ से बनाए। अगला है ई पी की सास है, ये पी है ना, इसकी सास है कौन, देखो ई है ना वो पी की सास है, ये पी है, पी की सास, सास कौन होती है सर, इसका पति तो ये रहा, पति की माँ, बस पति की माँ, तो देखो पति की माँ तो ये हो गई, पहले पिता बनाएंगे ना, और ये इसकी माँ बन गई, और माँ कौन है भाई, ई, अरे सास इकलौती होती है, ये हो गई देखो ऐसे, है ना, दूसरी लाइन ही हो गई। अगले देखो ई है ना वो डी की पत्नी है, ई है ना वो डी की पत्नी, हमने बनाई थी इसकी पत्नी, इसके आ गया डी, और ये हो गए पति और ये पत्नी। अगला देखो, एक छोड़ दिया था ना ये वाला, है ना, क्यू ई का पोता है, ई का पोता बनाना है, देखो पोता होना था बेटे का बेटा, ये इसका पति है, पति का बेटा ये रहा, मतलब पति नहीं है, पति का बेटा मतलब बेटा ही होगा, ये इसके पति है और इसका बेटा और इस बेटे का बेटा, जो कि कौन है ये रहा क्यू, समझ आया या नहीं आया, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, उतना आसान तो है नहीं कि सर आसान आसान करा दे जाएंगे, है ना, दोबारा बना दो इसको, दोबारा बनाओ, देखो देखो सबसे पहले ना वो बी है ना वो पी का पति है, पी का पति ये है, पी, पी का पति कौन होगा सर, बी, और पति हो गया ये, तो इसकी होगी पत्नी, ये बन गया पहला खत्म। दूसरा देखो क्यू ई का इकलौता पुत्र होता है, ना तो सर क्यू के बारे में है ना ई के बारे में, किसी का नहीं बनाएंगे। अगला देखो ई है ना वो पी की सास है, ये पी रही, पी की सास कौन होगी सर, इसका पति पत्नी जो भी उसकी माँ, तो देखो पी है ना उसका पति ये रहा, और पति की जो माँ होती है वही सास होती है, तो इसकी बनानी है माँ, तो माँ कौन होती है, इसका जो पति है उसकी लुगाई ये, और ये कौन है ए, और माइनस है, और ये हमने बना दिया ऐसे, है ना। अगला दे रखा है ई है ना वो डी की पत्नी है, ई है ना वो पहले पत्नी बना दी थी हमने, नाम नहीं दिया था, अब दे दिया डी बस, और एक हमने लाइन छोड़ दी थी ये वाली, क्यू है वो ई का पोता है, ई रहा सर इसका पोता का होगा, ये इसका पति है, इसका बेटा और बेटे का बेटा, जो कि क्या है क्यू, क्या प्रश्न पूछा है, बी का डी से क्या संबंध है, ये बी है ना डी से क्या संबंध, बी क्या लगेगा इसका, बस तो इसमें क्या समस्या आ रही थी, बी का डी से संबंध, यानी बी कौन लगेगा इसका, बी इसका बेटा लगेगा डी का, हाँ लिखो, एक दो और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखो जेड डब्लू की बेटी है, जेड डब्लू की बेटी है, एल डब्लू की पत्नी है, तीसरा है के एल के पिता हैं, के एल के पिता हैं,
तो के जेड का क्या लगेगा? ये तो बहुत ही आसान है, मैंने चला के बिल्कुल आसान दिया है, बहुत आसान। हाँ जीरो लेवल का क्वेश्चन है, अब भी नहीं हुआ किसी से, कोई है महाशय? देखो जेड है ना, वो डब्लू की बेटी है, जो जेड है वो डब्लू की बेटी है, ये ऐसे है ना, जो जेड है वो क्या है, बेटी है किसकी, डब्लू की बेटी है। अब डब्लू पता नहीं इसका पिता है माता है, ये नहीं दे रखा। दूसरा देखो एल है ना, वो डब्लू की पत्नी है, इसकी जो पत्नी है वो कौन है, एल, और एल अगर पत्नी है तो ये भाई साहब हो जाएंगे इसके पिता, सीधी सी बात है। देखो क्या दिया है, एल डब्लू की पत्नी है, ये एल है ना, एल वो डब्लू की पत्नी है, डब्लू की पत्नी है एल, देखो एल पत्नी तो है, डब्लू पति हो गया। तीसरी है के एल के पिता हैं, एल का पिता है ना वो कौन है, के, यही तो है, के एल का पिता है, ये एल है, इसका पिता कौन हो गया, के। तो देखो के जेड का क्या लगेगा, ये के है ना, वो इस जेड का क्या लगेगा, देखो जेड पढ़ना सीखो, देखो यहाँ से ये है, ये इसके पिता है और इसकी शादी हो गई माँ से, ये इसकी माँ हो गई, और माँ के पिता कौन लगेंगे, नाना है ना, ठीक है नाना। तो बताओ इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, है ना, बहुत ही सीधा है ना, तब भी नहीं हो रहा, बताओ। एक और बिल्कुल जीरो लेवल, ये तो हो जाना चाहिए। क्या करूँ, यही नहीं हो रहा। देखो डायग्राम बनाने ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना। लिखो एन एम का पुत्र है, एन लिख देता हूँ, एन एम का पुत्र है, एन एम का पुत्र है और वाई एम की पुत्री है, वाई एम की पुत्री है, तो एन व वाई का आपस में संबंध, बताओ। इतना सीधा अगर नहीं हुआ तो फिर पिटोगे। इसको तो आप बिना डायग्राम से भी कर सकते हो, डायग्राम से करेंगे तो और बेहतर होगा, है ना। बोल रहे कि एन है ना वो एम का बेटा है और वाई है वो भी एम की बेटी है ना, यानी एम को आदमी उसका पुत्र एन है और एम की पुत्री है वाई, तो भाई बहन हो जाएंगे। और डायग्राम बनाएंगे तब भी देखो, देखो एन एम का पुत्र है, इस एम का पुत्र कौन है, एन, ऐसे। दूसरे देखो वाई एम की बेटी है, जो वाई है एम की बेटी है, बेटा होता है बेटी कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, और कौन है वाई, तो वाई आ जाएगी माइनस, ऐसे। अब पूछा कि एन और वाई क्या है, तो देखो एन और वाई दोनों क्या है, भाई बहन है, है ना, तो आंसर आ जाएगा भाई बहन। और कराऊँ या आगे बढ़ूँ, है ना, क्योंकि उनमें भी ऐसे करना है, उन क्वेश्चनों में ऐसे करना है। तो अब लिखो टाइप टू, टाइप टू, इसमें आएंगे इशारे वाले प्रश्न, है ना, पॉइंटिंग बेस्ड, और पॉइंटिंग वाले प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, आपको पहचानना है पॉइंटिंग वाले प्रश्न कैसे कौन से हैं। तो देखो दो प्रकार के होते हैं पॉइंटिंग वाले, है ना, एक टाइप ए एक टाइप बी। तो देखो टाइप ए वाले प्रश्न कैसे होते हैं, ऐसे प्रश्न जो आपके डायरेक्ट मेरे से शुरू होते हैं, जैसे एक लड़की एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरे पुत्र के, ऐसे, मतलब डायरेक्ट लैंग्वेज होगी मेरे, सीधा, है ना। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा हो कि आपको जो फोटो दिख रही है ना, वो मेरे से शुरू नहीं होकर किसी और से शुरू हो, है ना, ऐसे प्रश्न आपके टाइप बी में आएंगे। तो पहले हम करेंगे ऐसे प्रश्न डायरेक्ट मेरे शब्द से शुरू हों, ध्यान रखना, मैं, मेरे, डायरेक्ट।
और अगर जो मैं मेरे शुरू नहीं हूँ वो आप टाइप बी में करेंगे, तो पहले हम करेंगे ये वाले। और टाइप ए वाले प्रश्न को पहचानेंगे ऐसे कि सर टाइप ए वाले प्रश्न आप सीधे अपने ऊपर ले लो, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, तो प्रश्न लिखो एक, आप खुद के ऊपर लगा लेना, अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। जैसे लिखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, जैसे कोई लड़की जा रही है उसकी तरफ बता रहा है कि वो है ना, वो मेरी ऐसे ऐसे संबंध है, बताता है ना, वो डायरेक्ट नहीं बताता, वो घुमा फिरा के बताता है, है ना, तो वो ही आपको पता लगाना है कि वो कौन है उसकी। तो लिखो लिखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक पुरुष कहता है कि वह मेरे, अभी से लैंग्वेज ये लाइन ना यही काम की है, मैं इसको लिखूंगा बस। वह देखो ये लाइन मेरी शुरू है सीधी, वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। पुरुष क्या कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। व्यक्ति का महिला से संबंध ज्ञात करो, है ना, व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, यानी व्यक्ति क्या लगेगा उसका। तो ऐसे प्रश्नों को आप खुद के ऊपर अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, है ना। अरे मानना है, रीजनिंग में कहना है कि सभी घोड़े कबूतर हैं, मानना पड़ेगा, नहीं होते हैं। अभी करेंगे वो प्रश्न, है ना, तो मानने हैं। 2019-20 का पेपर देखना, 18-19 का लिखा है कि भाई 5+6=30 होता नहीं है, लेकिन होता है ना। मानना है, वही तो है, रीजनिंग में यही चीज़ करनी है भाई, कैसे लिखा गया है, कारण का पता लगाना है। देखो ऐसे प्रश्नों को आप खुद के ऊपर लगाओ, कर लेंगे, और डायग्राम से तो मैं करके बताऊंगा। देखो, मेरे पुत्र, मान लो कि मेरा पुत्र, उसका दादा कौन हो गया, पुत्र का दादा, पिता मेरा पिता, और मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधु, है ना, पत्नी हो गई ना। तो ऐसे प्रश्न आप खुद के ऊपर अप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन सर हमको तो डायग्राम से ही करना है, कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, जहाँ से शुरू हो ना मेरे, वहाँ लिख दो एक आदमी, गिनने भाई कुल कितने आदमी की बात हो रही है, एक तो मेरे, दूसरा आदमी, एक तो नहीं मेरे नहीं मैं, दूसरा पुत्र की बात हो रही है दो, तीसरा एक दादा की बात हो रही है, और एक ये चार। अब ऐसे प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है, जो एक नंबर होता है वो तो होता है बताने वाला, बता रहा है ना मेरे, तो जो एक नंबर होता है वो तो होता है बताने वाला, और चार नंबर जो आता है वो होता है भाई जिसकी ओर वो बता रहा है, है ना। तो ऐसे प्रश्नों का डायग्राम बना दीजिए। देखो सबसे पहले उन्होंने मेरा, यानी कि मैं खुद, यानी कि जो आदमी है उसका नाम दे रखा है, तो नाम नहीं तो आदमी दे रखा है अपन को, तो पुरुष, तो वो आदमी है। इस आदमी का पुत्र बनाओ, कि सर पुत्र होगा नीचे आएगा ना, इस पुत्र का दादा कौन होगा, दादा होगा सर ये हो गया ना यहाँ से यहाँ, है ना, कि पिता का पिता यहाँ गए सर, इसकी इकलौती पुत्र वधू, यानी कि इसकी बेटे की बहू, और इकलौती एक ही बेटा है उसका, एक ही बेटा सरीरा, और इसकी पुत्र वधू, इसकी शादी करा दो, और ये जो आएगी ना वो कौन है, वो आपकी लड़की जा रही थी जो, यानी कि वो लड़की जो जा रही थी वो मैन, और ये भाई साहब कौन है, हम या बताने वाले मैन। तो अब आपसे पूछा, देखो इनको अलग अलग कर देते हैं ऐसे, है ना, पुत्र वधू तो प्लस माइनस। अब देखो पूछा है कि उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, ये दोनों आ गए। देखो ये तो बताने वाला था एक नंबर का, देखो एक नंबर ये था खुद, दो नंबर इसका पुत्र था, तीन नंबर इसका दादा, और चार नंबर ये। तो एक और चार के बीच संबंध पूछता है हमेशा, ध्यान रखना, यानी कि भाई ये इसका क्या लगेगा, तो ये इसका क्या लगेगा, पति ये इसकी पत्नी, ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको आप खुद के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। गुरु जी आ गए होंगे, 8 बज गए ना, 10 मिनट है। अगला लिखो, जैसे दूसरा लिखो, जया की ओर इशारा करते हुए
जया की ओर, जल्दी आ गए, पंचुअल। जया की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है, जया की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है कि वह मेरे, इस लाइन को लिखूंगा मैं क्योंकि यही काम की है, है ना। वह मेरे पुत्र की माँ की माँ है। जया की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है कि वह मेरे पुत्र की माँ की माँ है। तो जया का अमित से क्या संबंध है? जया का अमित से, जया कौन लगेगी, मतलब ये पूछ रहा है, ध्यान रखना, नहीं तो आप गलत कर दोगे, उसको ज़बरदस्ती दामाद बना दोगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसको खुद के ऊपर अप्लाई करो, अगर प्रश्न डायरेक्ट मेरे से शुरू हो रहा है ना, खुद के ऊपर लगाओ, और नहीं हो रहा है तो फिर बनाना पड़ेगा डायग्राम, और दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो, मेरे पुत्र, पुत्र की माँ, माँ कौन हो गई, पत्नी, और पत्नी की माँ कौन हो गई, सास। तो सर सास आंसर आ गया, और नहीं आ रहा था हुआ तो देखो कितने आदमी हैं, एक तो खुद है अमित, दूसरा उसका पुत्र, तीसरा उसकी माँ, और चौथी उसकी माँ। चार आदमियों के बारे में बात हो रही है, यानी कि अमित क्या कह रहा है, ये अमित बना दिया मैंने ए, अमित का पुत्र यहाँ होगा कोई भी, दो नंबर, इसकी माँ कौन होगी, इसकी माँ, ये इसका पिता है तो पिता की शादी होगी यहाँ किसी से, ये कौन होगी, इसकी माँ, और इसकी भी माँ बनानी है, इसकी माँ, तो देखो ये इसका पिता और ये इसकी माँ, और ये कौन है, ये जो है वो कौन है, जया, ये प्रश्न दिया है, हाँ ये दोनों आपके पति पत्नी हैं और यहाँ बना दिया। अब आपसे पूछा है कि भाई आपके जया का अमित से क्या संबंध है, ये जया है ना वो क्या लगे, देखो ये इसकी क्या हो गया, पति, पति की बेटी यानी खुद की बेटी, और खुद की बेटी का क्या है, ये पति है, और खुद की बेटी का पति क्या होगा, दामाद। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, अमित का पूछा है, जया का पूछा है, है ना, देखते हैं, जया का अमित संबंध है, जया क्या लगेगी, है ना, तो जया कौन लगेगी, इसकी सास, है ना, जया का अमित से संबंध, मेरा तुमसे संबंध, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो जया क्या लगेगी, उसकी सास लगेगी, ठीक है। अमित से संबंध, देखो अमित ये इसकी पत्नी हो गई, पत्नी का पिता, ससुर, ससुर की शादी करा दी, सास, है ना, हाँ ठीक है। एक और कर लेते हैं बस, लिखो लिखो, ऋतु एक व्यक्ति की ओर, ऋतु एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ऋतु एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है, ऋतु एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे पुत्र की पत्नी, वह मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र भाई वह मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र भाई की पत्नी है। प्रश्न क्या था, ऋतु, नहीं प्रश्न क्या था, ऋतु, शुरू से बोलना, व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं ऋतु, तो आगे लिखो, हाँ गलत बोल दिया ना, वह मेरे पत्नी के एकमात्र, क्या बोला था, वह मेरे पुत्र के पत्नी के भाई, भाई लिख लो, भाई है क्योंकि वो आदमी है ना, भाई है, बस इतना सा लिख लो, क्योंकि छोटा कर दिया प्रश्न, बहुत बड़ा था ये, ठीक है, इतना लिख दो, भाई है बस।
तो वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? तो वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? करो। वह मेरे पुत्र की पत्नी का भाई है। वह मेरे पुत्र की पत्नी का पुत्र है। ऐसे बना दो ना। अरे ऐसे बहुत डीप हो गया ना, ब्याही बन जाएंगे। हाँ पत्नी का पुत्र बना दो ना, अब हो जाएगा। हाँ वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब हो गया ना। हाँ खुद के ऊपर लगा लो। वह है मेरे पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी मतलब बहू है ना, मतलब पुत्र वधू, और उसका पुत्र पोता है ना। तो यही पूछा है कि वो उसे क्या लगेगा। अगर ये पूछा है कि रितु क्या लगेगी, तो रितु उसकी दादी लगेगी। और ये पूछा है कि वो व्यक्ति क्या लगेगा, तो वो व्यक्ति उसका पोता लगेगा। ठीक है, कल करेंगे इसमें खतरनाक पॉइंटिंग वाले, जिसमें ये नहीं लिखा होगा कि मेरे पुत्र, डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे ना वो। कल सारे कर देंगे ब्लड रिलेशन के।